बता दूं दोस्तों कि एनीकट में जो कि पहाड़ पे एक बाबा रहते हैं जो कि कुटिया है दोस्तों, तो यहीं पे रहते हैं। तो उन चलता हूं, उनसे मिलता हूं दोस्तों, क्योंकि हालांकि बहुत बार मतलब कि बहुत पहले मैं यहां पे आया था और अब बहुत दिन बाद आया हूं, तो चलता हूं उनसे मिलता हूं दोस्तों। और देख सकते हैं यहीं से रास्ता है तो कुटिया का अंदर जाने का, तो चलता हूं दोस्तों और देखता हूं मिलता हूं बाबा से। देख सकते हैं यहाँ पे नल की ये व्यवस्था, यहाँ पे नल लगाया गया है, हालांकि कल नहीं है क्योंकि पहाड़ी रही है ऊपर में दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे कल नहीं है तो नल की सुविधा यहाँ पे है। सो देख सकते हैं बाबा वहां पे है, तो चलते हैं दोस्तों और आप लोगों को दिखाते हैं, बस बने रहिएगा हमारे ब्लॉग पे लास्ट तक। सो देख सकते हैं बाबा वहां पे है कुटिया में दोस्तों, चलते हैं वहां पे। देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ अकेले बाबा रहते हैं और यहाँ पे कोई नहीं रहता है दोस्तों, यही बाबा रहते हैं यहाँ पे ऊपर में। और अभी बाबा सब्जी काट रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। चप्पल खोल दीजिए वहाँ। अच्छा चप्पल खोल दें, ठीक है बाबा। तो चप्पल खोल के दोस्तों बाबा बोले कि चप्पल खोल के हाथ धो लीजिए, तो यहाँ पे धो लेते हैं और मिलते हैं बाबा से, देखते हैं क्या बताते हैं इस कुटिया के बारे में दोस्तों। नहीं मॉर्निंग का टाइम था तो स्नान ध्यान कहाँ से होगा बाबा, कुटिया के बारे में कुछ बतलाइए। कुटिया के बारे में है, ये पहारी जी का स्थान है, वहाँ जाकर पढ़िए लिखा हुआ दीवार में निर्गुण। अच्छा, वहाँ पे निर्गुण निराकार है, कबीर साहब प्रकट है, देव ये गुप्त में है। ज्ञान दो तरह का होता है, गुप्त ज्ञान प्रकट ज्ञान। तो पहारी जी निर्गुण निराकार पंथ के महावैष्णव संप्रदाय, हनुमत के अवतार है, हनुमान जी से देवता में हनुमान जी थे, अभी कलयुग में पहारी जी के नाम से जाने जाते हैं। श्री पहारी जी की जय, श्री महाराज जी की जय, श्री महावीर जी की जय, श्री रंगराज गुरु की जय, श्री महाराज गुरु की जय, श्री श्रीताज गुरु की जय, श्री देवन में देव संत शिरोमणि श्री गुरुदेव स्वामी जी की जय, श्री बड़ी गद्री ऋषिकेश आनंद कुटी धाम की जय, श्री अन्नपूर्णा कुटी धाम की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, स्थान पुरुष की जय, रमते राम की जय, रहे न संकट रहे न भय, सदा रहो निर्भय, अम ज्ञानी को ध्यानी को सुर को संत को भेष अनंत को गुप्त को प्रकट को राम को नाम को तीरथ सब धाम को, अम श्री सत्य भोला राम नाम बंदी छोड़ी साहे। और बाबा आप यहाँ पे अकेले रहते हैं कि और कोई आपके साथ है? और है वहाँ चौका में है, नहाए नहीं ना मंदिर के अंदर, नहा धोहा के मंदिर के परिसर में जाया जाता है, दंड प्रणाम किया जाता। अच्छा, यहाँ पे मंदिर है बाबा? पहारी जी के गुरु का मूर्ति है, गुरु पूजा, कोई गुरु पूजा करता है, बड़े बड़े संत ऋषि गुरु पूजा करते है, कोई भगवान मूर्ति करते हैं। अच्छा, राम कृष्ण जितने हुए सब गुरु पूजे, गुरु के थे, सेवा के। व्यास मुनि वशिष्ठ विश्वामित्र सुचि संदीप ये सब गुरु के प्राथमिकता दिए, जो दुनिया में नाम है। और चारों वेद अष्ट पुराण 18 पुराण लिखे, 6 शास्त्र, और लोग इन्हें पथल के भगवान मान के गुरु मान लिए, राम अवधि के विष्णु के लोग। क्यों तो ये बाबा बाबा हैं तो वो तो भगवान ही है, सारा तो भगवान ही न किया है। भगवान है तो भगवान कहाँ से आए? भगवान मतलब भग से आए भगवान, भग मने वो जो भग जोनी है, जोनी और मानव जोनी 84 लाख जोनी में से प्रधान जाया है जोनी। और इसके बाद जो है कि गुरु से ज्ञान मिल करके ना भगवान बना, वो पहले गुरु बड़ा होता है। कबीर साहब को वाणी नहीं सुने तो गुरु भी तो भगवान को ही पूजा करते हैं ना? गुरु गुरु को पूजा करते हैं, गुरु गुरु को पूजा करते हैं, पर गुरु भी भगवान को पूजा करते हैं। भगवान भगवान का मतलब है कि जो भरण पोषण करता है, जो रमण करता है, जो आपका श्वासा भगवान है। श्वासा नहीं रहेगा ना बोलेगा ना चलेगा ना सम्मान होगा ना दमन होगा। बाबा आगे वहाँ देखिए, जय पहारी जी कहिए। जय पहारी जी बाबा। तो अभी आप नहा क्या रहे बाबा? पूजा पाठ सब आरती हो गया। तो अच्छा आरती हो गया, सब आरती हो गया, पूजा पाठ आरती हुआ। हाँ बाबा, इसके बाद फिर अभी चौका में सेवा टहल चल रहा है, हम ये कहाई कर रहे हैं। अच्छा, पोंगल बनेगा, अथी होगा, क्या बनाएंगे बाबा इसका? इसका नाम है पोंगल बनेगा, पोंगल बनेगा, चाहे भुजिया पोंगल में डलाएगा। ये पोंगल साधु साहिब भाषा है और देव भाषा है, इसको कहते हैं खिचड़ी। खिचड़ी के नाम सुने हैं? हाँ खिचड़ी सुने हैं, हर शनिवार को बनता है बाबा। तो इसी थोड़ा दूर से बतिया।
अच्छा अच्छा, क्या आप करने वाले हैं, वीडियो लाइव कर रहे हैं तो क्या आपका ये ब्लॉगिंग चैनल है बाबा? तो मैं अभी यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, न्यू चैनल बनाया हूँ जो कि ब्लॉग है बाबा। तो न्यू चैनल बनाते हैं। देखिये वो मोबाइल हमारा खराब हो गया है, स्पीकर वो बनेगा देखिये। तो बाबा बताए कि मोबाइल इनका एक खराब हो चुका है, तो देखते हैं क्या हुआ है इस मोबाइल में। देख सकते हैं ये बाबा का मोबाइल है, बाबा यूज करते हैं, जो कि लावा का मोबाइल है दोस्तों। तो बाबा ये तो सही तो है मोबाइल बाबा? तो नहीं तो आप उससे फोन कीजिए तो बाबा। इसमें जो है ना स्पीकर खराब की कोची हो गया, कल बनवाए थे इसका। अच्छा। जो है ना चार्ज नहीं ले रहा था, तो चार्जर में केबल वो थी, चार्जर में वो हो गया था, पानी घुस गया, चीती लग गया, तो कहा चार्जर बदल दीजिए, तो फिर वो मैं नहीं ले रहा था, तो बनवाया तरुण वाला में। अच्छा, तरुण मोबाइल दुकान वहाँ पे थाना मोड़। हाँ, तो फिर जो है कि उसमें फोन आ रहा है और फोन का फिर जवाब हम नहीं दे पा रहे। अच्छा, स्पीकर मतलब खराब हो गया इसका। हाँ, वही कारण है जिसे फोन तो बनाए तो इनको बताए नहीं इनको, अब बताएंगे, कल समा में ले आ गए और चार्ज होने लगा, आप फोन उन करके देखे ताके नहीं काम गड़बड़ा गया। अच्छा, तो मैं अभी देख लेता हूँ आपका मोबाइल को। हालांकि मोबाइल के बारे में दोस्तों मुझे ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, पर इतना तो जानकारी है कि क्या इसमें खराबी हुआ है दोस्तों, तो वो सारा चीज मैं देख लेता हूँ। कि बाबा का मोबाइल है जो कि इसका चार्जर पिन कल ही चेंज करवा के आए थे, और अभी स्पीकर का कुछ प्रॉब्लम हो गया दोस्तों, तो ये स्पीकर काम नहीं कर रहा बाबा मुझे बताया। तो मैंने भी अपने मोबाइल पे कॉल करके चेक किया, तो इसका स्पीकर जो कि खराब हो गया है। तो बाबा भी गए हैं और उनका चार्जर पिन भी नहीं काम कर रहा था, तो कल ही चेंज करवा के आए हैं, और बाबा भी कह रहे हैं कि काम नहीं कर रहा है, तो गए हैं बाबा अभी लाने के लिए, वहाँ पे रूम में गए हैं और आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों। देख रहे हैं बाबा आ चुके हैं वहाँ से और चार्जर लेके आ रहे हैं दोस्तों, तो देख सकते हैं, देखते हैं क्या हुआ है चार्जर में। हालांकि नया चार्जर है, देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, ये तो नया चार्जर है। अच्छा, ये देख सकते हैं एडाप्टर में यहाँ पे जंग लग गया है दोस्तों, तो वो भी आज देख लेता हूँ। पहले इन लोग जो है कि इस लोग के हाथ में नेतृत्व था, अस्तित्व था, व्यक्तित्व था, पूजनीय थे, बावर्ची थे, सुंदर सुंदर भोजन बनाते थे। इन लोग का नाम है भूरा बाल। अच्छा, और हम लोग का नाम है काला बाल। हम लोग कमजोर थे, नादान थे, अशिक्षित थे, अनपढ़ गवार थे, है न। इसके बाद जो है कि ब्रेन बुद्धि में पीछे थे, बैक मनी पीछे होता है, बैकवर्ड इससे नाम पड़ा, बैकवर्ड शब्द के पीछे रहे वाला। आए लोग फॉरवर्ड है, शब्द के आगे रहने वाला। फॉरवर्ड है बाबा, फॉरवर्ड है, क्योंकि इस पोती का ज्ञान इसको फॉरवर्ड हुआ। फॉरवर्ड तो बैकवर्ड फॉरवर्ड, तो इसी में लड़ाई जब हुआ ना, तो 712 देश लुटाने पिटाने लगा, मोहम्मद कासिम से शुरू हुआ। मोहम्मद कासिम, हाँ, तो आते जाते लुटते खटते, खटते लुटते खटते फिर मुगल स्थापित हो गया 1526 में। ओकर पहले लोधी सोधी आया पृथ्वीराज को 1200 पृथ्वीराज चौहान, हाँ, पृथ्वीराज 712 ईस्वी में शायद आया था, 712 ईस्वी में, 712 नहीं 1200 में आया था, 1200 उसी का शासन ही था। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान का, हाँ, तो हाँ 1200 में तो आया इब्राहिम लोधी। कौन कौन इब्राहिम लोधी? हाँ, तो आया तो वो अथी वो 21 बार इनसे हारा। आपको मोटिवेशन स्पीकर बन जाना चाहिए। बाबा को बहुत पता है इतिहास के बारे में, पूरा पता है, पृथ्वीराज चौहान, इब्राहिम लोधी, सबके बारे में पता है। तो फिर जो है वो बना तो 21 बार आ रहा, 22वां में जीत गया तो कहा कि तुम का थे। तो अब बाबा हम लोग चलते हैं, लेट हो रहा है, जाइए। मुखाड़ी उखाड़ी कुछ नहीं किए हैं? नहीं बाबा, अभी कुछ नहीं किए हैं, मर मैदान हो लिया। हाँ, तो यह दो कर्म बाकी रह गया, इसलिए आपका भक्ति और ज्ञान जो है सके इतनी मजबूत नहीं होगा। अब यहाँ 3 बजे भोर में 3 से 5 बजे कर लेना है तीनों कर्म। हाँ, तो कुटिया है ना बाबा, कुटिया का वो नियम है, सबसे पहला नियम है ना, कुटिया में हर जगह कुटिया है, साधु साहेब कुटिया हो गया, वो घर में सब गृहस्थ परिवार, जितना राम कृष्ण जब हुए शादी ब्याह के तो गृहस्थ हो गए, गृहस्थ में हो गए, गृहस्थी ने चलावे लेकिन संसारी हो गए, सब शादी ब्याह के, सब परिवार के साथ है। अब एक हनुमान जी, भीष्म जी सब शादी नहीं किए। ठीक है, चलो चलते हैं और देख सकते हैं दोस्तों, ये बाबा जी का कुटिया है पूरा में, देख सकते हैं अंदर में, वहाँ पे रूम भी है और वहाँ पे बाबा है जो कि अभी स्नान ध्यान करके और कुटिया में जो कि पूजा पाठ करने के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। पूजा पाठ हो गया, पूजा पाठ आरती हो गया, अभी यहाँ भोजन की बात हो रहा है, जिसका नाम है चौका सुधार रहे हैं, भोजन होगा, बाल भव होगा, या बाल भव कहिए या पंगत कहिए, जो भाषा में आ जाए, अभी से लेकर 12 बजे तक जो बनेगा बाल भोग गया जो आपको मानू। तो फाइनली दोस्तों यहाँ सब निकलते हैं आगे की ओर, और आप लोगों को यहीं पे ब्लॉग को एंड करता हूँ दोस्तों।
फाइनली दोस्तों यहीं पे अपना ब्लॉग को एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय टाटा सी यू। और मैं सारा चीज बता चुका हूँ इस ब्लॉग में दोस्तों, जो कि बचपन में यहाँ पे आया करते थे और काफी यहाँ पे मजा किया करते थे दोस्तों योग करने के लिए, काफी बढ़िया जो कि एरिया था और यहीं पे हम लोग बचपन में आया करते थे, वो उधर उस उधर पार्क है दोस्तों। तो वो चीज आप लोग को सारा चीज दे चुका हूँ पहले ही, तो आज आप लोग के स्पेशली केवल इसी के लिए ब्लॉग बनाया था दोस्तों। तो यहीं पे अपना ब्लॉग को एंड करता हूँ।